मध्य प्रदेश में सरकारी डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली। डॉक्टरों ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद काम पर लौटने का फैसला लिया है। बताया गया कि डॉक्टरों ने हड़ताल तो खत्म कर दी, लेकिन उनका आंदोलन लगातार जारी है। जी हाँ श्वेता, डॉक्टर अब भी सामूहिक इस्तीफे की बात कर रहे हैं। आज डॉक्टरों के संगठन बैठक करेंगे और इसके बाद इस्तीफे के बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने हमीदिया अस्पताल में औचक निरीक्षण के दौरान मरीजों के परिजनों से अस्पताल की व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर से भी संवाद किया। तो आपको बता दें, लगातार डॉक्टर्स कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे। हालांकि अभी हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन बड़ी चेतावनी डॉक्टर्स के द्वारा ये दे दी गई है कि हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद कि अब वो सामूहिक इस्तीफे की बात डॉक्टर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। आदेश के बाद अब काम पर लौटने का जो फैसला है वो हो चुका है। हड़ताल को हालांकि हाईकोर्ट ने अवैध बताया। कल जिस तरह से नेहा खबरें भी सामने आई थी, हाईकोर्ट ये कह रहा था कि आप इस तरह से हड़ताल नहीं कर सकते, आपको काम पर लौटना होगा, क्योंकि मरीज जो है वो अलकान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो अब मुश्किलें जो है वो मरीजों की थोड़ी सी कम जरूर हो जाएंगी। जी श्वेता, जिस तरीके से इस्तीफे की बात आ रही है उसके बाद भी मरीजों की मुश्किलें लगातार बनी ही रहने वाली हैं। अब क्या कुछ बैठक में डिसीजन सामने आता है, क्या वाकई में सभी डॉक्टर इस्तीफा दे देंगे, बड़ा सवाल इस वक्त का। माननीय हाई कोर्ट ने डॉक्टर्स को ये निर्देश दिया, निर्णय किया कि सभी डॉक्टर्स तुरंत प्रभाव से स्ट्राइक को कॉल ऑफ करके काम पर लौटे। ये मेरे पास उसका आदेश भी है। माननीय हाई कोर्ट के निर्देश का पालन करना और उनका सम्मान करना ये हम सबका कर्तव्य है। मैं हमारे डॉक्टर मित्रों से निवेदन करूंगा, उनसे ये अपील करूंगा कि वो तुरंत काम पर आए। पर मैं हमारे डॉक्टर भाइयों से और डॉक्टर पूरी बिरादरी से ये निवेदन करूंगा, क्योंकि सम्माननीय हाई कोर्ट ने ये निर्देशित किया है, ये निर्णय दिया है कि तुरंत प्रभाव से डॉक्टर काम पर लौटें, स्ट्राइक को कॉल ऑफ करें। सरकार हर समय संवाद करती रही, हमने तो उनसे उनकी हर मांगों को माना है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, जिस तरह से बात करें, हाईकोर्ट ने कल आदेश दिया कि काम पर लौटे, क्योंकि मरीज कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे थे, और ऐसे में अब क्या कुछ जानकारी मिल रही है? हड़ताल तो वापस ले ली है, क्या अभी बैठे हुए हैं हड़ताल पर, क्या कुछ है अपडेट इस पर? देखिए, अगर हम पूरी हड़ताल की बात करें तो हड़ताल तो वापस रात में लगभग 10:30 बजे ले ली गई थी, क्योंकि जिस तरह का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था हाईकोर्ट का, एक तरह की फटकार की है डॉक्टर्स के लिए। और उसके बाद में सरकार ने भी दबाव बनाने में कोई कमी नहीं की थी। एक रणनीति के तहत हमने देखा चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने डॉक्टर्स से पूरी तरह प्रेशर बनाया, यहाँ तक कि डॉक्टर्स ये भी नहीं कह सकते कि उनको हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली, क्योंकि मंत्री ने खुद उस हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी लेके वो पहुंचे थे। इसके बाद में कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं उनको बैकफुट पर आना पड़ा, उनको लगा कहीं ना कहीं वो एक कानूनी कार्रवाई या हाईकोर्ट की नाराजगी का शिकार हो सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने हड़ताल वापस लेने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन नई रणनीति के तहत डॉक्टर्स अब आगे बढ़ रहे हैं, और हो सकता है कि एक नाराजगी भी डॉक्टर्स की इस पूरे मामले में सामने आए, एक रिएक्शन सामने आए, और वो फिलहाल भले ही काम पे लौट गए हों, लेकिन उसके बाद सामूहिक इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। और इसके लेकर डॉक्टर्स के एसोसिएशन और कोर कमेटी जो है वो एक रणनीति बना रही है, और आज लगभग 1 बजे तक के इस पर फैसला लेगी। जी, तो 1 बजे जो है वो फैसला होगा नेहा। और दूसरी तरफ अगर बात करें अनुराग, ये सामूहिक इस्तीफे की बात हो रही है, तो क्या सरकार तैयार है एक साथ अगर ये इस्तीफा दे देंगे तो क्या कुछ प्लान है, कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है? देखिए, अभी देखना होगा कि क्या आज संवाद हो पाता है उसके पहले, जो डॉक्टर्स ने जो अभी नई चेतावनी दी है उसके पहले अगर उनकी बात होती है, और जो जिस तरह की कुछ चीजें हैं, खास तौर पे अगर बात करें तो 4+ की जो बात है या दूसरी कुछ मांगे हैं डॉक्टर्स की, क्योंकि सरकार ये दावा कर रही है कि हमने 90% मांगे मान ली हैं, लेकिन मेडिकल ऑफिसर्स को लेके कुछ मांगे हैं उसको लेके जो है अभी भी सहमति नहीं बनी है। और सरकार का एक तरफ कहना है कि हमने पुराने वाले ग्रेड में ही जो है वो सारी सुविधाएं दे रखी है, इसलिए अपग्रेडेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स इस पर अड़े हुए हैं। और डॉक्टर अड़े हैं, और अब सामूहिक इस्तीफे का भी प्लान जो है वो बनाया जा रहा है, देखना होगा क्या कुछ होता है। बने रहिए आप हमारे साथ अनुराग।